हेलो, माय नेम इज संदेश, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप का रिएक्शन है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, राइट। अंडर लाइट रिएक्शन हम लोगों ने पहली साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर लिया। हम लोग डार्क रिएक्शन कर रहे थे। डार्क रिएक्शन में हम लोगों ने सी3 साइकिल किया, फोटो रेस्पिरेशन किया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। हम लोग आगे मूव होने वाले हैं, ठीक है, टू दी एच एस के पाथवे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक पाथवे, विच इज ऑल्सो नोन एज C4 पाथवे। वाई इट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे वो बाद में पता चलेगा, बट उसके पहले एक थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन का एक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ याद है फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? RuBisCO, बराबर। RuBisCO क्या करता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के बदले क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐड करना चालू होगा, जिसके वजह से क्या होता है? 25% लॉस ऑफ कार्बन, बराबर। क्या होता है? 25% लॉस ऑफ कार्बन, एंड दिस फिनोमेनन इज वेरी कॉमन इन C3 प्लांट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C3 प्लांट्स? इसका मतलब क्या है? द प्लांट विच फिक्सेस कार्बन विद द हेल्प ऑफ C3 साइकिल। और ऐसे प्लांट जो केल्विन साइकिल लेके या सी3 साइकिल लेके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? C3 प्लांट्स बोलते हैं, राइट। बट ये फिनोमेना सारे प्लांट्स में है क्या? नहीं। देर आर सम प्लांट्स लाइक शुगरकेन, मेज एंड अमेरेंथस, वो लोग क्या करते हैं? वैसे भी ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बराबर, ये वेस्टफुल एनर्जी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो अपने लीफ के एनाटॉमी में कुछ चेंजेस कर देते हैं, बात समझा? वो लोग क्या करते हैं? वो अपने लीफ के एनाटॉमी में कुछ चेंज कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड, बात समझा? जिसकी वजह से क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड। तो क्या है वो चेंजेस बेसिकली? देखो, लीफ का जनरल स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ये है मेरा अपर एपिडर्मिस, बराबर, और ये नीचे का रहे मेरा लोअर एपिडर्मिस, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल, बराबर। ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, बराबर। ये बोथ अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस, बराबर। दोनों अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस किससे बनते हैं? सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल, बात समझाइए। नाउ जनरली, ठीक है, जनरली इन दोनों के बीच में क्या रहते हैं? इन बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस वी हैव फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल, बात समझा? अपर एपिडर्मिस के बीच में और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या रहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल रहते हैं, जिनका नाम है मीजोफिल सेल, बात समझा? जिनका नाम क्या है? मीजोफिल सेल। नाउ जनरली इन नॉर्मल लीफ मीजोफिल आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैलिसेड मीजोफिल सेल, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, बात समझा? पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है पैलिसेड मीजोफिल सेल, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, ओके। नाउ इन केस ऑफ C4 प्लांट्स व्हाट हैपेंस? देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल, बात समझा? देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल। तो फिर क्या होगा? मीजोफिल पैलिसेड में और स्पॉन्जी सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होगा, रादर इट इज गोइंग टू बी होमोजीनस, बात समझा? ये कैसे रहेगा? इट इज गोइंग टू बी होमोजीनस, बात समझा? अभी देखो क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे बाजू में क्या रहने वाला है? यहाँ पे बाजू में तुम्हारे मीजोफिल सेल्स रहने वाले, जिनके पास क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा, विच आर इन्वॉल्व इन क्लोरो फोटोसिंथेसिस। अभी देखो बीच में क्या रहेगा? यहाँ पे बीच में रहेंगे अपने वेस्कुलर बंडल, बात समझा? बीच में क्या रहेगा? अपना वेस्कुलर बंडल, मतलब क्या रहेगा? जाइलम रहेगा एंड फ्लोएम रहेगा, बराबर। वेस्कुलर बंडल मतलब क्या? जाइलम रहेगा एंड फ्लोएम रहेगा। अभी वेस्कुलर बंडल्स के बाजू में, बात समझा? वेस्कुलर बंडल्स के बाजू में, ठीक है, तुम्हारे एक छोटे से सेल्स आएंगे, बात समझा? वो क्या करेंगे? वो वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड कर देंगे, बराबर। वेस्कुलर बंडल्स को क्या कर देंगे? सराउंड कर देंगे, ठीक है। ये है तुम्हारे समथिंग कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल, बात समझा? ये क्या है तुम्हारे समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? बंडल शीथ सेल, बात समझाइए, ओके। और बंडल शीथ सेल के बाहर रहेंगे तुम्हारे नॉर्मल मीजोफिल सेल, बात समझा?
बंडल से सेल के बाहर रहेंगे तुम्हारे नॉर्मल मेसोफिल सेल. एम आई क्लियर? आई रिपीट, देखो यही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यही मॉडिफिकेशन है इन सी फोर प्लांट. बात समझ में आ गया? ये देखो, जनरली ए नॉर्मल लीफ, ये अपर एपिडर्मिस ऊपर का, ये लोअर एपिडर्मिस ऊपर का, इनके बीच में क्या रहेंगे? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल विच आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल. अब ठीक है, अभी यहाँ पे उनके डिफरेंशिएशन रहेगा, पैलिसाइड मेसोफिल सेल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल. बट इन सी फोर प्लांट्स देर इज नो डिफरेंशिएशन. बराबर, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है, रादर कैसे रहेंगे? होमोजीनस रहेंगे. तो सर मॉडिफिकेशन कहाँ पे? ये लो यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ गया. बीच में रहेगी तुम्हारे वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जिसको सराउंड करेंगे तुम्हारे बंडल शीथ सेल, ठीक है, और उसके बाजू में क्या रहेगा? उसके बाजू में रहेंगे तुम्हारे नॉर्मल मेसोफिल सेल, ठीक है. अभी ये अरेंजमेंट, बराबर, ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन आ चुका है, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट बन चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज क्रांस एनाटॉमी. बात समझा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? क्रांस एनाटॉमी. एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्रांस एनाटॉमी इट इज अ स्पेशल मॉडिफिकेशन. बात समझा? क्रांस एनाटॉमी इज अ स्पेशल मॉडिफिकेशन विच इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ प्लांट. ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हम लोग को कौन से प्लांट में मिलेगा? खाली ऐसे ही प्लांट में मिलेगा जो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे इनटू कार्बोहाइड्रेट, और दे आर गोइंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय यूजिंग हैच एंड स्लैग पाथवे. बात समझाइए? अभी यहाँ पे स्पेशलिज्म क्या है, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है? प्लीज नोट बंडल शीथ सेल. ठीक है, प्लीज नोट बंडल शीथ सेल में तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट रहेंगे ए ग्रैनल. बात समझा? क्लोरोप्लास्ट रहेंगे ए ग्रैनल. बात समझा? मतलब उनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना बिल्कुल नहीं रहेगा. आई रिपीट, जो भी बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट रहेंगे ना, उनमें ग्रैना बिल्कुल नहीं रहेगा. ऑन द अदर हैंड जो मेसोफिल सेल जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनमें ग्रैना रहेगा. बराबर, एंड देयरफोर दे आर कॉल्ड एज ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. बात समझा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. आई रिपीट, बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ग्रैना नहीं है, एंड देयरफोर दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. बट ऑन द अदर हैंड जो अपने मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट रहेंगे उनमें क्या रहेगा? ग्रैना रहेगा, एंड देयरफोर दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. एम आई क्लियर? बात समझाइए? ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया. बराबर, ये अपना क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा? बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट रहेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी लार्ज इन साइज. बात समझा? बंडल शीथ के जो सेल के जो क्लोरोप्लास्ट रहेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी लार्ज इन साइज एंड फ्यू इन नंबर्स. एम आई क्लियर? बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वेर आर लार्ज इन साइज और फ्यू इन नंबर्स. ठीक है, और ये कैसे रहेंगे? दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है, बट दे आर गोइंग टू बी मेनी और दे आर गोइंग टू बी लार्ज इन नंबर्स. बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये कैसे रहेंगे? ए ग्रैनल, ग्रैना नहीं है, साइज बड़ा है, नंबर्स कम है. यहाँ पे क्या है? ग्रैना है, साइज कैसा है? एकदम छोटा है, बट नंबर्स कैसे? काफ़ी ज़्यादा है. नाउ प्लीज नोट, सिंस टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. बस समझा? यहाँ पे दो और या दो फॉर्म के क्लोरोप्लास्ट आ गया ना, देयरफोर दिस काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है, विच इज ऑब्जर्व. बात समझा? एक ऐसा कंडीशन जो हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? मेसोफिल सेल में मिलेगा, एज वेल बंडल शीथ सेल में मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिज्म. बात समझा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइमॉर्फिज्म. तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स किए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एच एस के पाथवे में? पहला है अपना क्रांस एनाटॉमी जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, और नेक्स्ट पार्ट है अपना समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बात समझाइए? चलो लेट्स स्टार्ट विथ एच एस के पाथवे इन डिटेल. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एच एस के पाथवे कहाँ पे होगा? खाली दो सेल ऑर्गेनल में होगा, खाली दो पार्ट में होगा. फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा मेसोफिल सेल और नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा बंडल शीथ सेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट. अपना फर्स्ट पार्ट कौन सा है? अपना फर्स्ट पार्ट है समथिंग कॉल्ड एज मेसोफिल सेल. ओके, नाउ प्लीज नोट दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेसोफिल सेल.
ओके मैं क्या कर बना रहा हूँ, ये खाली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेसोफिल सेल है, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं ग्रैनुल, मतलब क्या, इनमें ग्रैना रहने वाला है, ठीक है। याद करने की कोशिश करो, सी3 साइकिल में पहला स्टेप कौन सा था, सी3 साइकिल में पहला स्टेप था अपना कार्बोक्सिलेशन, बराबर। इधर भी अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन ही है, बात समझा। बट यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल अलग रहेगा, बात समझा। सी3 साइकिल में स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, वो था तुम्हारा RuBP, स्टैंड्स फॉर राइबिलोज बाय फॉस्फेट, और स्पेसिफिकली राइबिलोज 16 बाय फॉस्फेट। बट यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा फॉर कार्बोक्सिलेशन इज फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, विच इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, बात समझा। कौन सा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड विच इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, ओके। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है। देखो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये 1 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है। क्या बनेगा, एक 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड, इसका नाम है ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम, ठीक है। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कार्बोक्सिलेशन। किसमें ऐड किया हम लोगों ने, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में, कितना कार्बन एटम है, 3, बराबर। ये 3 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, क्या बन गया, 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड बन गया, जिसका नाम क्या है, ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम रिएक्शन करेगा, एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एंजाइम, कौन सा रिएक्शन हो गया, कार्बोक्सिलेशन, बराबर। आ गया कार्बोक्सिलेज, किसमें किया, PEP में किया ना, तो ये लो आ गया PEP, एंजाइम का नाम क्या आ गया, PEP कार्बोक्सिलेज, ओके। नाउ लेट्स हैव लुक ऑन दिस कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल, बात समझा। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल विच इज नथिंग बट वॉट, ऑक्सालोएसिटिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 3 + 1 क्या बन गया, 4। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, कैसे बना, 3 कार्बन एटम वाला फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, 1 कार्बन एटम वाला कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन रिएक्शन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन किसने किया, PEP कार्बोक्सिलेज ने, क्या बन गया, ऑक्सालोएसिटिक एसिड, कितना कार्बन एटम का है, 4 कार्बन एटम का है, बात समझा, कितने कार्बन एटम का है, 4 कार्बन एटम का है। एंड देयरफॉर सिंस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल, पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ ये साइकिल का कितने कार्बन एटम का है, 4 कार्बन एटम का है ना, देयरफॉर HSK पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, C4 पाथवे। अभी पता चला इसको C4 पाथवे क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का, देयरफॉर C4 पाथवे, बात खत्म, ओके। लेटर दिस ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है, लेटर दिस ऑक्सालोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय रिडक्शन, बात समझा। लेटर दिस ऑक्सालोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या, कौन आएगा, तुम्हारा आएगा NADPH2, बराबर, और क्या बन के चला जाएगा, NADP बन के चला जाएगा, बात समझा, ओके। अभी यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो गया। नाउ मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड, बात समझा, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर HSK, ठीक है, टू आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर C4 साइकिल, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, विच इज कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल, ठीक है। अभी मैं जो बना रहा हूँ वो है अपने बंडल शीथ सेल, बट प्लीज नोट दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ओके। ये क्या आ गए, ये आ गए अपने अभी बंडल शीथ सेल, ठीक है। फीचर क्या है इनका, बंडल शीथ सेल का स्पेशलिटी क्या है, इनके सेल कैसे रहेंगे, इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे रहेंगे, इनके क्लोरोप्लास्ट रहेंगे ए ग्रैनल, ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे रहेंगे, ए ग्रैनल, मतलब इनमें ग्रैना बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट कैसे रहेंगे, ग्रैनल रहेंगे, ओके। चलो मैलिक एसिड यहाँ पे आ चुका है, बात समझा, मैलिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम, बराबर, वो यहाँ पे आ चुका है, बराबर।
over here, malic acid undergoes first reaction, decarboxylation. बात समझा? यहाँ पे malic acid का क्या होगा? Decarboxylation होगा. मतलब क्या कि हम लोगों ने carbon dioxide निकाल दिया. Malic acid में, बराबर? कितने carbon atom का है? 4 carbon atom का है. बराबर? एक carbon dioxide हम लोगों ने निकाल दिया. Means what? हम लोगों ने एक carbon atom निकाल दिया. बराबर? तो क्या बनेगा? 4-1, ठीक है? 3 carbon atom वाला एक compound जिसका नाम है pyruvic acid. इसका नाम क्या है? Pyruvic acid. ठीक है, ये कितने कार्बन एटम का है? 3 कार्बन एटम का है. बट सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? अभी यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है. मैंने आपको पहले ही बोला था, एक वर्ड ध्यान में रखो, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट C4 साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. कुछ याद आया? मैंने कौन सा वर्ड बोला था? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. यहां पे नीचे बंडल शीथ सेल में, ठीक है, प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट करता रहेगा बाय कंडक्टिंग C3 साइकिल. है ना इंटरेस्टिंग? बाय कंडक्टिंग व्हाट? C3 साइकिल. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा समथिंग कॉल्ड एज केल्विन साइकिल. ठीक है, ये है अपना RuBP. यहां पे RuBP में अपना कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया. बराबर? क्या बन चुका है? PgA बन चुका है, फॉस्फोरिक एसिड बन चुका है. बराबर? फॉस्फोरिक एसिड का क्या बनेगा? PgAl बनेगा. बराबर? क्या बनेगा? PgAl बनेगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा. ठीक है, एंड ये साइकिल चलता ही रहेगा. बराबर? एंड PgAl में से कुछ PgAl को बाहर में निकाल के, कुछ PgAl को बाजू में निकाल के, वो लोग क्या बनाएंगे? वो लोग बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट. प्लांट क्या बनाएंगे? प्लांट बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट. और ये कौन सा साइकिल है अपना? ये अपना C3 साइकिल. एम आई क्लियर? कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. देखो, C3 प्लांट में क्या हुआ था? फोटोरेस्पिरेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ था, 25% लॉस हुआ था. ठीक हो, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है. बराबर? इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, बट वो प्लांट के बॉडी में से बाहर नहीं गया. उसको उठाया और किस में डाल दिया उन लोगों ने? केल्विन साइकिल में डाल दिया. इवेंचुअली क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट. अभी समझा इसको कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? बात समझाना ये? ओके, चलो. यहाँ पे पायरुविक एसिड बन चुका है. दिस पायरुविक एसिड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड. बात समझा? दिस पायरुविक एसिड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड टू नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? मेसोफिल सेल. बात समझाइए? ओके, नाउ पायरुविक एसिड यहाँ पे फिर से आएगा. प्लीज नोट, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स सेम. ओके, 3 कार्बन एटम ओनली. पायरुविक एसिड यहाँ पे आया. ठीक है, इसमें कितना कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है. ओके, अभी पायरुविक एसिड का हमें क्या करना है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड करना है. बात समझा? पायरुविक एसिड एंड PEPA, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. किसका डिफरेंस है? फॉस्फेट ग्रुप का ना. तो चलो, यहां पे आएगा अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनर. कौन आएगा? वही पुराना ATP आएगा. बराबर? ATP आएगा. ओके, और ADP बनके चला जाएगा. जो भी कुछ फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकला है, बराबर, जो भी कुछ फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकला है, वो किस में ऐड किया जाएगा? वो पायरुविक एसिड में ऐड किया जाएगा. ठीक है, और उसका क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसमें कितना कार्बन एटम है? फिर से 3 कार्बन एटम है. बात समझा? नाउ यहां पे ये कन्वर्जन खत्म हो गया. फिर से क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन. फिर से 3+1, 4 कार्बन वाले कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है? ऑक्सालोएसिटिक एसिड. बराबर? रिएक्शन कौन कैटलाइज करेगा? PEP कार्बोक्सिलेज. ओके, बाद में फिर से ये रिड्यूस होकर मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीथ सेल. यहां पे मैलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. बराबर? बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया. किस में डाल दिया? केल्विन साइकिल में डाल दिया. ठीक है, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हो गया अवॉइडेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है क्या? नहीं है ना, तो फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड हो गया. यहाँ पे फिर से पायरुविक एसिड बनेगा, फिर से इसको बैक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेसोफिल सेल में, और फिर से इसको क्या करेंगे? वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके ये साइकिल चलता रहेगा. और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट आर समथिंग कॉल्ड इज वॉट? हैच एंड स्लैक पाथवे, जिसका एक और नाम है समथिंग कॉल्ड इज वॉट? C4 पाथवे. Okay, that's it.